अक्सर कहा जाता है कि दिल और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है, और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर जिस तरह से लगातार ब्लड क्लॉटिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक के बाद अब ब्रेन अटैक भी अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। और आज इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रोहित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, जो फरीदाबाद में NCR में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक हम फिल्मों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब मरने वाला होता था तो उसको हार्ट अटैक एक सिंबॉलिक ये दिखाया जाता था कि कितनी गंभीर जानलेवा बीमारी है। सेम अभी उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन क्लॉटिंग, और बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है कि उसमें युवा भी शामिल हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, किस तेज़ी के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? पूजा जी, धन्यवाद। जैसे कि हार्ट अटैक में आपने सुना होगा हार्ट की आर्टरी में क्लॉट चला जाता है जी। उसी तरह ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट जाने को ब्रेन अटैक या पैरालिसिस बोलते हैं, लेकिन आज अवेयरनेस इतनी नहीं है। लोग हार्ट अटैक तो सब समझते हैं, लेकिन किसी को ब्रेन अटैक बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ब्रेन अटैक का मतलब क्या है। केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाओ, हर साल इंडिया में आज 15 लाख लोगों को ब्रेन अटैक आ रहा है, लकवा हो रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो करीबन 10 से 15% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। ये चिंता का विषय है कि आज 40 साल से कम क्या उम्र होती है। 40 साल पे आदमी अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट करता है, उस उम्र पे अगर किसी के घर में एक जवान आदमी को लकवा हो जाए तो उसकी फैमिली कितना सफ़र करेगी, आप सोच ही सकते हैं। बिल्कुल, जब एक व्यक्ति घर से जाता है तो पूरी फैमिली का ब्रेन डेड हो जाता है मानसिक तौर पर यदि देखें। डॉक्टर साहब, कोरोना ने बहुत कुछ जीवन में बदल दिया, तो उस बदलती जीवन शैली में दो चीज़ें हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो आयुर्वेद के रास्ते पर और जीवन शैली को बेहतर बनाने के रास्ते पर चल दिए, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? दूसरा ये भी हुआ कि कुछ लोग की कोरोना के बाद उनको ये एहसास हुआ कि पता नहीं जीवन है या नहीं, खुलकर जियो, तो एक गलत दिशा की तरफ भी उन्होंने टर्न कर लिया। तो कैसे संतुलन बिठाने की ज़रूरत है, और उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि उसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी चले गए जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, रूटीन चेकअप्स कराते थे जैसा आपने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जो हेल्थ कॉन्शियस होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का मन जो है वो दुविधा में पड़ जाता है हेल्थ को लेकर। देखिए कोविड, पूजा जी, कोविड के बाद हमने जो इमीडिएट चीज़ें देखी वो देखी, लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों को नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने अपनों को खोया, नौकरियां खोई, नौकरियां जिसने नहीं खोई उसको नौकरी खोने की चिंता होने लगी, तो उस वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए, नींद एंजाइटी ये सारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कोविड के बाद ये भी हुआ कि लोगों के अंदर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ गई, ये सब चीज़ें बढ़ी, तो उससे लोग, लेकिन हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि कोविड के बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई, उनको लगा कि हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आदमी ने अपने घर का एक आदमी खो देता है तो उसको समझ में आता है कि हार्ट अटैक ये बहुत ज़रूरी है, तो लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं। आज लोग ज़्यादा जागरूक हैं, लोग अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार मामले ब्रेन स्ट्रोक के आ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कारण क्या मानते हैं उनके पीछे? क्या स्ट्रेस लेवल उसको कारण मानते हैं, या फिर एक अलग दिशा में एक अलग संस्कृति के साथ जो युवा वर्ग जा रहा है वो कारण है, और किस तरह से प्रिवेंटिव एक्शंस हम ले सकते हैं ताकि ये जो एक बढ़ता हुआ फिगर आ रहा है वो कम हो? उसमें ऐसा है कि जो हमारी स्मोकिंग जी, अल्कोहल, शुगर, BP, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा और स्ट्रेस और हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ हमारे 9-10 रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टाइम के साथ साथ। अगर हम इस सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें तो हम स्ट्रोक का रिस्क 90% से ज़्यादा बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि BP एक और शुगर बहुत आम बीमारी के तौर पर हम समझते हैं, तो जब भी घर में किसी को BP होता है तो हम चेक कर लेते हैं, BP की मेडिसिन जो है वो रिवर्स कर दी जाती है या फिर चेंज कर दी जाती है, तो ऐसे में वो कौन सी अलार्मिंग सिचुएशन है जो फैमिली मेम्बर्स को ये समझना होगा कि ये अब समय है जब अस्पताल में जाकर उपचार कराया जाए, टेस्टिंग कराया जाए? क्योंकि आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि जब मेडिसिन ले लेते हैं तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ नॉर्मल हो जाते हैं, तो लोगों की वो हैबिट जाती है। देखिए BP वाले पेशेंट्स को अपना रेगुलर बेसिस पे BP चेक कराना है। अगर कोई भी ऐसे सिम्टम आते हैं जो अचानक से आते हैं और बॉडी के आधे हिस्से में आते हैं, चाहे वो बोलने में दिक्कत हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे एक साइड की बॉडी सुन हो रही है, चाहे देखने में दिक्कत हो रही है, या बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहे हैं, या आदमी को बेहोशी हो रही है, कोई भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है।
बीपी अपना चेक कराना है और अगर डॉक्टर को लगता है तो अपने सारे टेस्ट कराने। डॉक्टर साहब, एक जो हर शायद घर में जो लोग आपको देख रहे होंगे उनके मन में सवाल होगा कि लोग चाहते हैं अच्छा उपचार दें, एकॉर्ड अगर आते हैं, किसी को ब्रेन स्ट्रोक का इशू होता है तो कितना पॉकेट फ्रेंडली उनके लिए होगा या वो किस ट्रस्ट के साथ आए कि, क्योंकि आप देख रहे हैं निजी अस्पतालों का फरीदाबाद ही नहीं हर जगह पर क्या हाल है। कोरोना ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया इस पर, बहुत एक पूरी शिद्दत के साथ लोग मुखर होकर बोलने लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से और एक जो घर बैठे जो इस समस्या से जूझते हैं इमीडिएट क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको इस बात की भरोसा देता हूँ, अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ आती है हमारी इमरजेंसी 24 आवर्स चलती है, मैं खुद 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आप उस टाइम पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप हॉस्पिटल आइए, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आपका वो टाइम बच गया और आपका टाइमली ट्रीटमेंट हो गया तो आप वो किसी भी पैसे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर, मैं आपको बीच में टोकूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई थी जो शायद बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हमने देखी कि एक फास्ट कोड जनरेट करने की आप बात कही और कहा जाता है कि अगर दो मिनट अगर कुछ सेकंड अगर लेट हो जाए तो शायद किसी की जान जा सकती है, एक्सीडेंटल केसेस में हम अक्सर कहते हैं, तो ज़रूर आप लोगों को बताइए कि एकॉर्ड हॉस्पिटल ऐसा क्या खास कोड जनरेट करता है जो किसी का जीवन बचा सकता है। देखिए, हमारे पास तीन चार चीज़ें बड़ी अलग हैं एकॉर्ड में। क्या पहला तो हमारी यहाँ हर तरह की न्यूरोलॉजी इमरजेंसी डील की जाती है। दूसरा, हमारे पास लकवे के पेशेंट के अलग से आईसीयू है। तीसरा, लकवे के पेशेंट को लिए हमारे पास अलग से कैथ लैब है जिसमें हाई एंड प्रोसीजर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने यहाँ बनाया है वो है कोड फास्ट। कोड फास्ट एक ऐसा एक फ़ोन कॉल है जो सारे डिपार्टमेंट जो स्ट्रोक से रिलेटेड हैं, चाहे वो दवाई वाला है, चाहे वो एडमिशन करने वाला बिलिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो सीटी स्कैन देखने वाला आदमी है, चाहे वो आईसीयू वाला आदमी है, चाहे वो लिफ्ट वाला आदमी है, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, सबको इकट्ठे फ़ोन जाता है, सबको वो अलर्ट कर देता है, सबको वो बता देता है कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है। हमने ऐसा भी हमने किया है कि मान लो किसी पेशेंट का एक MRI चल रहा है और वो MRI स्पाइन का है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आधे घंटे बाद भी हो सकता है, तो हमें कोड फास्ट के बाद हम पेशेंट को बाहर निकाल के स्ट्रोक का पेशेंट का पहले करते हैं, क्योंकि वो आधा घंटा उस स्पाइन वाले के लिए MRI के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जो आधा घंटा उस मरीज के लिए ज़रूरी है। और हम ये समझा के करते हैं, उसकी फैमिली को समझाते हैं कि इस टाइम इस पेशेंट को इस सीटी स्कैन की बहुत ज़रूरत है, आपके पेशेंट को हम आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो कोड फास्ट से हमने देखा हमारे ये इंजेक्शन जो हम दे रहे थे उसके रिजल्ट्स इतने बेटर हो गए क्योंकि उससे हमने आधे घंटे से 45 मिनट अपने बचा लिए। वो आधा घंटा जल्दी लगने की वजह से ब्रेन का डैमेज कम हुआ, क्लॉट जल्दी डिजोल्व हुआ, लकवा जल्दी ठीक हुआ, तो फैमिली भी खुश होती है। जब वो खर्चा करती है तो उसका जब मरीज़ ठीक होता है तभी उसको खुशी मिलती है, उसके लिए तो मरीज़ ठीक होना चाहिए। तो जब मरीज़ ठीक तभी होगा जब हम टाइमली उसको इंजेक्शन को दे देंगे। तो जो मरीज़ ने टाइम ख़राब किया हॉस्पिटल पहुंचने में उसको तो हम बदल नहीं सकते, पहुंचने के बाद हम उसको कितना फास्ट कर सकते हैं, यही कोड फास्ट है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूर जो कुछ लोग हैं उनके मन में आती होगी कि एकॉर्ड हॉस्पिटल नया है तो वो फैसिलिटी उतनी बेटर तरीके से मिल पाएगी या नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई असुविधा हो तो उसके लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल नया है जितना मैं जानती हूँ डॉक्टर्स बहुत विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। देखिए, अब एक तो हॉस्पिटल अब नया नहीं रहा, 6 महीने पुराना हो गया, तो हॉस्पिटल अब नया नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हॉस्पिटल में दीवारों की इम्पोर्टेंस नहीं होती, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और डॉक्टर सारे के सारे 15 से 20 साल 25 साल से इसी शहर में और लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। सब वही डॉक्टर्स हैं, एक पूरी टीम की टीम एक नई बिल्डिंग में आई आप ऐसे समझो। और अब हमारे पास हर तरह की TPA फैसिलिटी, मेडिक्लेम वगैरह सारा कुछ है, और हर तरह की फैसिलिटी है, किसी भी तरह की, जैसा एक नए पुराने हॉस्पिटल में होता है उसी तरह एक नए हॉस्पिटल में। मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि सारे हॉस्पिटल 2008 से 2010 में आए, 10 से 12 साल के बाद एक नया हॉस्पिटल आया है बड़ा, जिसमें नई टेक्निक्स आई हैं, नई एडवांसमेंट आई है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। मैं इसको नेगेटिव नहीं, मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूँगा। यानी कह सकते हैं घर नया है परिवार पुराना है। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि IPL टीम नई बनी है लेकिन खिलाड़ी सारे पुराने हैं। बिल्कुल, और देखिए दिल और दिमाग दोनों ही मानव शरीर के बहुत अहम हिस्से होते हैं, और जिस तरह से दिल का लोग ख्याल रखते हैं आज की बदलती जीवन शैली में दिमाग का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, और जागरूकता, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी ही बचाव है, तो ऐसे में जागरूकता ज़रूर बदलें।
बेशक जो है कोरोना ने जीवन के मायने समझा दिए, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य का जो अपना महत्व है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।